सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज किस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं निर्देशन की विधियां कौन कौन सी होती हैं, इसके अलावा जो अध्यापक या फिर जो शिक्षक होते हैं स्कूल में उनकी क्या भूमिका होती है निर्देशन में, और कुछ क्वेश्चंस भी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले निर्देशन की विधियां कौन कौन सी हैं। पहली विधियां है प्रमापीकृत प्रविधियां, इसके बाद आगे है अप्रमापीकृत प्रविधियां। दोस्तों देखिए, प्रमापीकृत प्रविधियां वे प्रविधियां हैं जिनकी रचना करते समय वैज्ञानिक सिद्धांतों, निश्चित नियमों एवं तरीकों का प्रयोग किया जाता है तथा जिनकी वैधता एवं विश्वसनीयता वैज्ञानिक ढंग से ज्ञात की जाती है। प्रमापीकृत प्रविधियों के अंतर्गत निम्न परीक्षणों को शामिल किया जाता है। प्रमापीकृत का मतलब होता है कि ऐसे परीक्षण जिनका हम क्या कर सकते हैं, ठीक ठीक से जांच कर सकते हैं, या फिर एक तरीके से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम ठीक प्रकार से इसमें निर्णय ले सकते हैं। जैसे कि बुद्धि परीक्षण हुआ, आपको पता है कि अगर 90 से लेकर के 110 के बीच में बच्चे की बुद्धि लब्धि है तो वह सामान्य बालक कहलाएगा। इस तरीके से रुचि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, इन सभी के माध्यम से हम क्या करते हैं, जो निर्देशन है उसका हम क्या करते हैं, इन विधियों के माध्यम से हम बच्चों को निर्देश देते हैं इन परीक्षणों के बाद। जैसे कि बुद्धि परीक्षण, बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी है उसके अकॉर्डिंग, उसकी रुचियां कौन कौन सी हैं, उसकी अभिरुचियां कौन कौन सी हैं, उसकी उपलब्धि क्या है, उसने पिछले क्लासेस में कितना अच्छा किया है, व्यक्तित्व, उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है, वह लोगों से मिलता है जुलता है या फिर उसका व्यवहार मित्रवत है या नहीं है, वह व्यक्ति अंतर्मुखी है या बाह्यमुखी है, ये सभी चीजें हमें पता चलती हैं व्यक्तित्व परीक्षण के माध्यम से। तो ये जितने भी परीक्षण यहाँ पर दिए हुए हैं, इन सभी के बारे में हम पता करके उस व्यक्ति को या उस बच्चे को एक अच्छा निर्देशन या फिर अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हैं, या उस बच्चे का अच्छी तरीके से मार्गदर्शन कर सकते हैं जब इन सभी परीक्षणों के परिणाम हमें प्राप्त रहेंगे। तो इसके बाद देखिए आता है अप्रमापीकृत प्रविधियां। यहाँ पर आप देखिए, इसके अंतर्गत उन प्रविधियों को शामिल किया जाता है जिनकी रचना सुविधा और आवश्यकता के अनुसार की जाती है। ये प्रविधियां आत्मनिष्ठ होती हैं या फिर सब्जेक्टिव होती हैं, जैसे कि साक्षात्कार, अवलोकन या निरीक्षण, समाज मिति, प्रश्नावली, व्यक्ति अध्ययन, निर्धारण मापनी, आत्मकथा, संचित अभिलेख, ठीक है। इन सभी के माध्यम से हम क्या करते हैं, इन सभी को आधार बना करके हम बच्चे का क्या करते हैं, बच्चे को निर्देशन देते हैं या फिर बच्चे का मार्गदर्शन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, साक्षात्कार, अवलोकन, इन सभी विधियों के माध्यम से हम क्या पहले पता लगाते हैं कि उस बच्चे की क्या क्या रुचियां हैं, किस तरीके की उसकी मानसिकता है और उसको किस प्रकार की समस्या है, उसका हम अध्ययन करते हैं। कुछ प्रश्नावलियां हम बना करके रखते हैं जो उस बच्चे के सामने प्रस्तुत करते हैं, और उसका जो जवाब देता है बच्चा, उसके विषय में भी हम चीजों को नोट करते रहते हैं कि कहाँ पर क्या चीजें, बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जो प्रमापीकृत प्रविधियां हैं जिनको हम माप सकते हैं, और अप्रमापीकृत यानी कि जिसे हम माप नहीं सकते हैं, लेकिन इनकी मदद से हम बच्चे का निर्देशन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो निर्देशन का मतलब ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को समझा दिया था कि निर्देशन की जरूरत हर एक व्यक्ति को होती है, केवल बच्चे को ही नहीं। और मैंने अभी आपको बताया भी था कि स्वास्थ्य निर्देशन, इसके अलावा व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, ये सभी चीजें आपने देखी थी, व्यावसायिक निर्देशन, कि व्यक्ति को हर एक कदम पर कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है निर्देशन की जीवन में। और हर व्यक्ति सोचता है कि हम जो भी प्लानिंग करते हैं, जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए बेस्ट प्लानिंग करें और अच्छे से अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो निर्देशन की आवश्यकता इसीलिए होती है कि हम अपने दिशा, जो हमारा रास्ता है, जिस रास्ते पर चल करके हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, उससे हम भटके ना, बल्कि उसी रास्ते पर चल करके हम मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो निर्देशन से हमें यही लाभ होता है कि चाहे हमारे शिक्षक हो या फिर किसी निर्देशक के पास हम जाते हैं, तो हम उनसे बेस्ट से बेस्ट सलाह लेने की कोशिश करते हैं, जिससे हम जो भी काम करें उसका परिणाम क्या हो, अच्छा निकले।
अब इसके बाद देखिए आगे है, बालकों को उचित निर्देशन देने में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो निर्देशन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करना चाहिए। किस बच्चे को कहाँ पर दिक्कत हो रही है, कौन सा बच्चा आपसे निर्देशन प्राप्त करना चाहता है या आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहता है, तो उस बच्चे को आप टाइम दीजिए और पूछिए क्या समस्या है, ताकि कोई भी बच्चा कुंठाग्रस्त ना हो या फिर तनावग्रस्त ना हो। इसके बाद देखिए, छात्रों को परीक्षा संबंधी निर्देश देना, यानी कि छात्रों को परीक्षा से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं उनको बताना, या फिर अगर बच्चों को किसी प्रकार का कोई भय है तो उसको भी उनके मन से ये बातें निकाल देना। क्योंकि परीक्षा जो होती है वो केवल केवल ये जांचने के लिए होती है कि बच्चों ने कितनी पढ़ाई की है और क्या जो टीचर ने पढ़ाया है वो उन्होंने सीखा है या नहीं सीखा है। ठीक है, इसके बाद देखिए, अभिभावकों से संबंध स्थापित करना ये बहुत जरूरी है। सिर्फ बच्चे से संबंध स्थापित करने से काम नहीं चलेगा, आपको बच्चे के अभिभावकों से भी मिलना पड़ेगा, क्योंकि काफी समय तक तो अपना जो उनका बच्चा होता है वो उन्हीं के पास होता है। स्कूल में केवल 5 से 6 घंटे बच्चा होता है, बाकी टाइम तो अपने अभिभावकों के पास ही होता है। तो अभिभावकों से बालक के संबंध में आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है, और उसके माता पिता का व्यवहार कैसा है, ये सभी बातें टीचर जान पाते हैं। इससे उन्हें उचित निर्देश देने में क्या होती है, सहायता मिलती है। इसके बाद देखिए, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मतलब होता है कि स्कूल में केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि अलग जो एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सभी चीजें भी आयोजित करवाएं और उचित दिशा निर्देश दे करके इनको अच्छे से सभी बच्चों से कहें कि सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें। इसके बाद है, छात्रों के विकास हेतु उत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना। यह भी एक शिक्षक का दायित्व है कि बच्चों के लिए इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न करना कि हर एक बच्चा अपना बेस्ट दे सके। इसके बाद है 6वां पॉइंट, छात्रों के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना। यानी कि अगर टाइम है तो हर एक बच्चे के साथ आप व्यक्तिगत संबंध बनाइए, यानी कि हर एक बच्चे की समस्या को व्यक्तिगत सुनिए, उसे निर्देशन दीजिए, उसे मार्गदर्शन दीजिए, ताकि बच्चा अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाए। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला है, अच्छी निर्देशन सेवा होती है, 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, समाज केंद्रित या फिर उपरोक्त सभी। अगर शिक्षक निर्देशन दे रहे हैं बच्चे को तो बच्चा ही तो बाल केंद्रित ही तो होगा वह निर्देशन, तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है। और बालक को केंद्र में रख करके ही शिक्षक को निर्देशन देना है, क्योंकि यहाँ पर बालक के जीवन की, बालक के भविष्य की बात हो रही है, तो बालक को ही ध्यान में रख करके चीजें बतानी पड़ेंगी। दूसरा है, निर्देशन का प्रकार नहीं है, शैक्षिक निर्देशन, लिखित निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन या फिर व्यावसायिक निर्देशन। दोस्तों, इसमें शैक्षिक निर्देशन आपने कल पढ़ा था, व्यक्तिगत निर्देशन आपने पढ़ा था, व्यावसायिक निर्देशन आपने पढ़ा था, लेकिन जो लिखित निर्देशन है इसका मतलब यहाँ पर लिखित निर्देशन यहाँ पर राइट आंसर नहीं है। यानी कि लिखित निर्देशन क्या है, निर्देशन का प्रकार नहीं है और यही पूछा है, तो यही राइट आंसर है। ठीक है, बाकी शैक्षिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन, ये तीनों ही क्या है, निर्देशन के प्रकार हैं। इसके अलावा आपने स्वास्थ्य निर्देशन भी कल पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर दिया हुआ है लिखित निर्देशन, ये निर्देशन का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यक्ति को बुद्धिमत्ता पूर्ण चयन एवं सामंजस्य के दी जाने वाली सहायता निर्देशन है, यह कथन है। यानी कि व्यक्ति को बुद्धिमत्ता पूर्ण चयन और सामंजस्य स्थापित करने के लिए जो सहायता दी जाती है वह निर्देशन है, यह कथन किसका है, सीवी गुड का, ऑर्थर जे जोनस का, मैथ्यूशन का या जे एम ब्रीवर का। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्थर जे जोन्स का। क्वेश्चन नंबर 4 है, निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, जोन्स का, शिक्षा आयोग 1964 से लेकर 1966 का, रायबर्न का या स्किनर का। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्किनर का, यह स्किनर का कथन है। दोस्तों, इस तरीके से आपने यहाँ पर निर्देशन की विधियां और निर्देशन में शिक्षकों की क्या भूमिका होती है यह आपने देखा, और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे परामर्श के विषय में, हम परामर्श किसे कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, आपको ऊपर आई बटन मिल जाएगा, आई बटन पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। थर्ड सेमेस्टर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी, हर एक विषय के हर एक वीडियो को आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं।
और अपनी तैयारी को बेस्ट बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करके जाइएगा दोस्तों। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय के हर एक वीडियो को आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। और दोस्तों इसकी फ्री पीडीएफ अगर आपको चाहिए, इस फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पर आपको सभी विषयों की बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलती है और टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोज बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को देखते रहें। दोस्तों हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, आप इसे हर एक प्रशिक्षु जल्द से जल्द सरकारी शिक्षक बने। और इसके लिए आप लोगों को भी बहुत परिश्रम करना है। आप लोग का डीएलएड कंप्लीट होगा, इसके बाद आपको यूपी टेट एस टेट देना है यानी कि सुपर टेट देना है। लेकिन आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद आप थर्ड सेमेस्टर, अगर सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आप लोग का आ जाता है तो आप लोग बिल्कुल यूपी टेट देने के लिए मान्य होंगे। तो सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आप लोगों का अगर आ जाता है समय से तो आप में से हर एक प्रशिक्षु यूपी टेट दे सकता है। और आप लोग की यूपी टेट की तैयारी और सुपर टेट दोनों की तैयारी हम करवाएंगे, ऑलरेडी हमने बता दिया है। दोस्तों ऐसे चैनल से बने रहिए और अगर अभी तक आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन करने से आपको और भी ढेर सारी सुविधाएं हमारे चैनल की तरफ से आपको मिलेंगी। तो बस ऐसे ही बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहिए। आपकी सभी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल करता आ रहा है, लगातार करता रहेगा। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।